दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलेंटरली समय देने के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के लोगों के साथ सीधा संवाद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दिल्ली के अंदर दिवाली से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। दिवाली के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए हर बूथ पर जो हमारी कमेटियां बनी हैं उन बूथ स्तर के मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका मनोबल और ऊंचा करने के लिए अगले 11 नवंबर से आम आदमी पार्टी जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू करने जा रही है। 11 तारीख से जो जिला पदाधिकारी सम्मेलन शुरू होगा दिल्ली के अंदर पार्टी के लिहाज से हमने 14 जिले बनाए हुए संगठनात्मक आधार पर, हर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आती है। तो 11 तारीख से इन 14 जिला सम्मेलनों का आयोजन शुरू होगा। इस जिला सम्मेलन में पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे, उनके साथ साथ पार्टी के और लीडर मौजूद रहेंगे। इस जिला सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, वार्ड स्तर के, विधानसभा स्तर के जितने पदाधिकारी हैं उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। और इस जिला सम्मेलन में अगले विधानसभा चुनाव में
प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का टारगेट सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जो है वो दिया जाएगा। जो जिला सम्मेलन 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं उसमें 11 नवंबर को 5 बजे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में किराड़ी जिले का सम्मेलन होगा। ये जो सम्मेलन है वो किराड़ी विधानसभा में फौजी वाटिका निठारी पुलिया किराड़ी में ये संपन्न होगा, जिसमें बाकी विधानसभा के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे। 11 तारीख को ही 7 बजे वेस्ट लोकसभा में तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो संपन्न होगा। बारह तारीख को 5 बजे नई दिल्ली लोकसभा में करोल बाग डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन राजेंद्र नगर में किया जाएगा। 12 तारीख को ही 7 बजे से साउथ दिल्ली लोकसभा में संगम बिहार जिले का जिला सम्मेलन संगम बिहार विधानसभा के अंदर आयोजित होगा। फिर 15 तारीख को 5 बजे चांदनी चौक लोकसभा के चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन मॉडल टाउन में आयोजित किया जाएगा। 15 तारीख को ही शाम को 7 बजे वेस्ट दिल्ली लोकसभा के नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन मटियाला में संपन्न होगा। 16 तारीख को ईस्ट दिल्ली लोकसभा का 5 बजे पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन त्रिलोकपुरी में आयोजित होगा। 16 तारीख को दूसरा 7 बजे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन बाबरपुर बस टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। 18 तारीख को चांदनी चौक लोकसभा में आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन वजीरपुर में आयोजित किया जाएगा। 18 तारीख को ही शाम 7 बजे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के अंदर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन नरेला में आयोजित किया जाएगा विधानसभा में। 19 तारीख को 5 बजे ईस्ट दिल्ली लोकसभा के सहादरा डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन करकरडूमा सीबीडी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। 19 तारीख को ही नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के करावल नगर डिस्ट्रिक्ट का जिला सम्मेलन घोंडा में विधानसभा के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा। 20 तारीख को 5 बजे साउथ दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत मेहरौली का जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और 20 तारीख को शाम 7 बजे नई दिल्ली लोकसभा का जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसका जो जिला सम्मेलन है वो नई दिल्ली असेंबली में जो है सिविक सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो ये 11 तारीख से जिला सम्मेलन शुरू हम कर रहे हैं। 14 जिला सम्मेलन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होंगे जो 20 तारीख को जिसका समापन होगा।